एसोसिएशन ऑफ इंडिया होटल सेंटर पॉइंट रामदास पेट में 7 अगस्त को पश्चिम क्षेत्र और महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैठक के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता गुजरात के BAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष निमेश पटेल ने की, जबकि राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता सोलापुर के श्री दत्तात्रेय मुले ने की। शाम को सुविधा कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुनील केदार एवं पूर्व MP श्री अजय संचेती BAI इस संगठन में असाधारण योगदान के लिए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व श्री PR मुंडले को जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया और नागपुर के श्री राजेंद्र कुमार आठवले को भी सम्मानित किया गया, जिन्हें BAI का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना गया है। निर्माण उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था और औद्योगिक क्षेत्र में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 5.1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला लगभग 9% है। हाल ही में लॉकडाउन और COVID-19 महामारी के कारण लगाए गए कई प्रतिबंधों के कारण निर्माण उद्योग काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि छोटू भैया का जो उन्होंने अपने जीवन में काम किया है उसके लिए आप सब लोगों ने उनका सत्कार किया है। मुझे याद है जब वो 60 साल के हुए थे तब एक कार्यक्रम हमने किया था वसंतराव देशपांडे सभागृह में। छोटू भैया का परिचय, मैं जब से विद्यार्थी था तब से मेरा परिचय उनके साथ हुआ है। हमारे महल क्षेत्र में भी वहीं उनका जन्म हुआ है और उनके पिताजी नील सिटी हाईस्कूल में शिक्षक थे। बहुत ही मुंडले बाड़ा करके काफ़ी मुंडले परिवार बड़े प्रमाण पर वहाँ रहते थे और बहुत कठिन परिस्थिति में उन्होंने अपने शिक्षा को पूरा किया है। मेरी यादगार अगर ठीक होगी तो वो पॉलिटेक्निक का सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा उन्होंने लिया और कुछ दिन तक उन्होंने नौकरी की और नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़कर उन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत की। इरिगेशन कॉन्ट्रैक्टर करके उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया। हमारे नागपुर जिले में विदर्भ में अनेक बड़े बड़े प्रकल्पों का काम उन्होंने यशस्वी रूप से किया है और इसलिए स्वाभाविक रूप से एक बिल्डर के रूप में इरिगेशन कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उनकी तो मान्यता है ही है। पर इसके साथ साथ एक अच्छी बात यह है और जो विशेष रूप से मैं याद रखता हूँ और वो ये रखता हूँ कि जब मैं विद्यार्थी था तो शिवाजी नगर में दत्ता जी के यहाँ जाते थे। तब हमारी औकात भी नहीं थी, इज्जत भी नहीं थी, मान्यता भी नहीं थी, प्रतिष्ठा भी नहीं थी और सम्मान मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो हालत सभी दृष्टि से खराब थी। तो हम जब भी कोई काम अड़चन में आते थे, करने की बात आती थी, तो छोटू भैया के घर में जाते थे और हमारे पीछे वो खड़े रहते थे। हमारे अड़चन के समय जब हमें कोई पूछता नहीं था, जब हमारी कोई कीमत नहीं थी, तब हमें संभालने वाले और हमारे पीछे खड़े रहने वाले छोटू भैया, ये हमारे जीवन में हमको हर समय याद है। मैं अक्सर दो बातें याद रखता हूँ कि जिन्होंने जीवन में कठिन समय में काम किया है उनको जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए, और दूसरी बात जो छोटू भैया के लिए लागू नहीं है पर जीवन में जो व्यक्ति अपना साथी होता है उसके अच्छे काल में अगर साथ नहीं दिया तो एक बार चल जाएगा पर उसके कठिन काल में उसके पीछे खड़े रहना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।